कर्मचारियों एवं फायर कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर सरकार द्वारा सहमति जताई गई थी। सहमति जताने के बाद सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसके बाद से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान वेतन लागू करना, समान काम लागू करना, ठेका प्रथा बंद करना आदि कुछ मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार सड़कों पर उतारू हैं। उसी के चलते आज फिर सफाई व फायर के कर्मचारियों द्वारा सिरसा के नगर परिषद में सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक धरना लगाया गया। नगर कर्मचारी संघ के जिला प्रधान ने बताया कि सरकार द्वारा हमारी कुछ मांगों को लेकर सहमति जताई गई थी, लेकिन उस सहमति को तकरीबन एक वर्ष बीतने को हो गया है, लेकिन हमारी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हमारी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी हमने कई बार धरने प्रदर्शन करके सरकार को चिताया है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने बताया कि आज फिर हमें मजबूरन होकर एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक धरने पर बैठना पड़ा। मैं जिला प्रधान फायर ब्रिगेड यूनियन से राजेश खिचड़। आज जो हमारी एक सामूहिक हड़ताल है एक दिन की स्टेट कमेटी के आन पर, कि सरकार ने हमारे नेताओं के साथ 25 अप्रैल और 17 को हमारे नेताओं के साथ जो बातचीत हुई थी, सरकार ने हमारे मांग और मुद्दे जो कि स्वीकार किए थे, जैसे 4,000 रुपये जोखिम भत्ता देना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, फायर ऑपरेटर 1,366 कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर के पद पर मर्ज करना, लेकिन वो मांगे पूरी करने के बजाय सरकार ने हमारे जो फायर ब्रिगेड को है वो नगर परिषद के अंदर थे उनको अलग करने का काम किया है और कर्मचारियों को भड़काने का काम किया है, ताकि ये जो नगर पालिका और फायर की जो यूनियन है बहुत मजबूत है और इस यूनियन को तोड़ने के लिए उन्होंने महकमे अलग करना का आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसा अगर सरकार करती है तो हम जो आज एक दिन की हड़ताल है ना, इसको नियंत्रण हड़ताल में बदल सकते हैं स्टेट कमेटी के आदेश पर। तो हमारा यही कहना है सरकार को कि वक्त रहते हुए मीडिया के माध्यम से, CID के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं भी वक्त रहते हुए या तो हमारी मांगे पूरी कर दे, अन्यथा हम इससे भी ज़्यादा तीखे आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। अटवाल है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से जिला प्रधान हूँ। तो आज का जो हमारा एक दिन का सांकेतिक धरना है, हमने अवकाश लेके, सामूहिक अवकाश लेके जो है ना सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है, क्योंकि हमारी 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को हमारे कुछ समझौते हुए थे सरकार के साथ, वो सरकार ने अभी तक लागू नहीं, जैसे समान काम समान वेतन देना, 4,000 रुपये जोखिम भत्ता प्रदान करना, समान काम समान वेतन जैसे अपने कच्चे कर्मचारियों का है, अपने 1,366 जो फायर के कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए उसके विषय में, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, ठेका प्रथा पूर्ण तरह से जो है बंद की जाए, तो उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन छेड़ा है। अगर सरकार अब भी अपनी हठधर्मी पे रहती है तो हम इससे भी कड़ा रुख अपनाएंगे। ये एक दिन का जो हमने धरना लगाया है ये अनिश्चितकालीन हो सकता है, अगर सरकार अपनी हठधर्मी पे अड़ी रही तो हमें ये अनिश्चितकालीन करना पड़ेगा। सर, जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं तो शहर में जो सफाई व्यवस्था वो चरमरा जाती है, आज आप लोगों की मात्र एक दिन की हड़ताल से ही सफाई व्यवस्था जो है चरमराएगी, तो क्या रहेगा सर, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, क्योंकि इससे आमजन को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि सरकार को भी और अपने प्रशासन को भी और आम जनता को भी इससे बहुत कठिनाई होती है, लेकिन हम भी मजबूर हैं और सरकार ने हमें मजबूर किया है। 2020 अप्रैल से लेके आज तक सरकार को हमने बार बार नोटिस दिया है, लेकिन सरकार नहीं मान रही, तो इसका जो है सिर्फ सारा ये सरकार के ऊपर जाता है, हमारे ऊपर नहीं। हमने बार बार उनको नोटिस दिया है, तो आगे अगर सरकार अभी भी नहीं मानेगी तो देखो जी ये अर्जाना तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा।